हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्न फ्रैक्शन की तुलना करने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बब्बन ने अपने खेत में 12 कद्दू के बीज बोए थे। कुछ दिन बाद उसे उन बीज में से पौधे उगते नजर आए। बब्बन खुश हो गया। अब बब्बन सोचने लगा कि जब उन पौधों में से 12 कद्दू उगेंगे तो वो उनमें से एक चौथाई 1/4 हिस्सा बड़बोले चाचा को देगा। वे कद्दू का बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन चाचा को कितने कद्दू देगा? एक चौथाई में हमें अपने पूरे होल को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। यहाँ हमारे पास कुल 12 कद्दू हैं, तो हमारा पूरा हुआ 12 कद्दू। उन्हें 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। यदि हम 12 कद्दू के 4 समान हिस्से करें तो हर हिस्से में कितने कद्दू होंगे? बिल्कुल ठीक, 3 कद्दू। अब हम एक चौथाई 1/4 हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन 4 समान हिस्सों में से एक हिस्सा निकालेंगे। इस तरह 12 कद्दू का एक चौथाई 1/4 हिस्सा हुए 3 कद्दू। बब्बन चाचा को 3 कद्दू देगा। अब बब्बन सोच रहा है कि वो 12 कद्दू का 2/3 2/3 हिस्सा चंदा को देगा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन चाचा को ज्यादा कद्दू देगा या चंदा को? आप वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल सही उत्तर ढूंढा है। पहले हम चंदा को मिलने वाले कद्दू की संख्या ढूंढेंगे। 12 कद्दू का 2/3 2/3 हिस्सा ढूंढने के लिए हमें 12 कद्दू को 3 समान हिस्सों में बांटना होगा। इस तरह हर हिस्से में 4 कद्दू हुए। अब 2/3 2/3 हिस्से निकालने के लिए हमें इन 3 समान हिस्सों में से 2 हिस्से निकालने होंगे। इस तरह 12 कद्दू के 2/3 हिस्से हो गए 8 कद्दू। बब्बन चाचा को 12 कद्दू का 1/4 1/4 हिस्सा 3 कद्दू और चंदा को 12 कद्दू का 2/3 2/3 हिस्सा 8 कद्दू देगा। इस तरह बब्बन चंदा को ज्यादा कद्दू देगा। बच्चों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1/4 भिन्न 2/3 भिन्न से छोटा है। बब्बन ये सोचकर खुशी खुशी घर लौट गया। अब वो घर जाकर सोच रहा है कि वो अपने खेत में 20 गाजर उगाएगा। जब वो गाजर उग जाएंगे तो वो उसमें से 2/5 हिस्सा बन्नी को और 1/2 आधा हाफ हिस्सा गोलू को भेंट में देगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बन्नी को कितने गाजर मिलेंगे? क्या वो गोलू को मिलने वाले गाजर की संख्या से ज्यादा है? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल सही उत्तर ढूंढा है। 20 गाजर का 2/5 हिस्सा ढूंढने के लिए हम 20 गाजर को 5 समान हिस्सों में बांटेंगे। इस तरह हर हिस्से में 4 गाजर हुए। अब 2/5 हिस्से निकालने के लिए हमें इन 5 समान हिस्सों में से 2 हिस्से निकालने होंगे। इस तरह 20 गाजर के 2/5 हिस्से हो गए 8 गाजर। बब्बन बन्नी को 8 गाजर देगा। आइए देखें बब्बन गोलू को कितने गाजर देगा। 20 गाजर का 1/2 आधा हाफ हिस्सा ढूंढने के लिए हमें इन्हें 2 समान हिस्सों में बांटना होगा और फिर उसमें से एक हिस्सा निकालना होगा। इस तरह
20 गाजर का आधा हिस्सा, हाफ, हो गए 10 गाजर। बब्बन बन्नी को 8 गाजर देगा और गोलू को 10 गाजर, इसलिए बन्नी को गोलू से कम गाजर मिलेंगे। बच्चों, इस तरह हम देख सकते हैं कि 2/5 भिन्न 1/2 भिन्न से छोटा है। ये सोचकर बब्बन और भी खुश हो गया। अब बब्बन सोच रहा है कि जब वो अपनी सब्जियां बाजार में बेचेगा तो उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों में से कुछ पैसे से वो 25 लड्डू खरीदेगा। उन 25 लड्डू में से 3/5 हिस्सा वो एक ही दिन में खा लेगा। क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 25 लड्डू का 3/5 हिस्सा ढूंढने के लिए हम पहले 25 लड्डू को 5 समान हिस्सों में बांटेंगे। इस तरह हर हिस्से में 5 लड्डू होंगे। अब 3/5 हिस्सा निकालने के लिए हम इन 5 हिस्सों में से 3 हिस्से अलग करेंगे। इस तरह 25 लड्डू का 3/5 हिस्सा हो गया 15 लड्डू। बब्बन लड्डू के बारे में सोचकर सो गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने भिन्न फ्रैक्शन की तुलना करने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।